हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक वीडियो आज के डेट में आ चुकी है, इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। 173 रुपए का स्टॉक्स है, 284 रुपए का टारगेट आ रहा है और काफी बेहतरीन स्टॉक्स नजर आता है, काफी बेहतरीन रिजल्ट भी आए हैं। तो अगर हम बात करें आज के स्टॉक्स की, तो ब्रेकआउट स्टॉक्स से रिलेटेड है और स्टॉक्स का नाम क्या है, ईक्लर्क्स सर्विसेज। ईक्लर्क्स सर्विसेज ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा हुआ है और एक बेहतरीन ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा और इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो उस एग्जांपल को मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें ब्रेकआउट हुआ था और आज वो शेयर आपको बेहतरीन रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 60-70-80% के। तो इसी तरीके से ये स्टॉक्स भी आपको एक रिटर्न देता हुआ नजर आ सकता है। तो एक बेहतरीन लेवल पर ये शेयर खड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा तो आपको चीजें समझ में आती हुई दिखाई देगी और आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ब्रेकआउट को भी कैसे प्ले करना है, एज वेल एज आपको किस तरीके से ऐसे स्टॉक्स में कोई अगर न्यूज आती है तो आपको किस तरीके से प्ले करना है। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं स्टॉक से रिलेटेड और भी जानकारियां। बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा, आपका खुद का चैनल है इन्वेस्ट फॉरएवर, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, इस वीडियो को लाइक करें, दूसरी वीडियोस को जाके देखिए, लाइक करें, सीखने की कोशिश करें। बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, प्लेलिस्ट को गो थ्रू करना है और हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। बुल मार्केट खत्म हो गई है बट ऐसी मार्केट में भी अपने टारगेट कैसे मीट करने हैं उसके लिए हमें यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पर लाइक करना जरूर मत भूलिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियोस बनाई जाती है और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे अप्रिशिएशन भी चाहते हैं इसके लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। जिस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं ईक्लर्क्स, सबसे पहले तो ईक्लर्क्स के बारे में समझ लेते हैं कि ईक्लर्क्स है क्या। तो ईक्लर्क्स एक क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशन सर्विसेज है, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और टू ग्लोबल फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स। तो अगर हम बात करें जो ग्लोबल 500 कंपनीज है, फॉर्च्यून 500 की कंपनीज, उन कंपनीज को ये क्या प्रोवाइड करती है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग सेवरल ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज अक्रॉस फाइनेंशियल सर्विसेज, केबल एंड टेलीकम्युनिकेशन में कंपनी काम करती हुई नजर आती है, रिटेल, फैशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैवल, लेजर, एज वेल एज बात करें यहाँ पर सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक। द कंपनी प्रोवाइड इनोवेशन, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, डेटा ड्राइव इंसाइट्स, एडवांस एनालिटिक्स पावर्ड बाय सब्जेक्ट मैटर्स एक्सपर्ट्स एंड स्मार्ट ऑटोमेशन। तो कंपनी यहाँ पर हर चीज प्रोवाइड करती हुई नजर आती है, हर यहाँ पर बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, एज वेल एज हर एक सेक्टर में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो एक बेहतरीन यहाँ पर चीजें यहाँ पर नजर आती है। ईक्लर्क्स के बारे में और भी बहुत कुछ जानने के लिए इनकी वेबसाइट पे आपको चलना होगा, आपको देखना होगा, यहाँ पर आपको देखिए डिजिटल बिजनेस में काम करती है, फाइनेंशियल मार्केट में काम करती है, एंटरटेनमेंट में काम करती है, कस्टमर ऑपरेशन में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो कंपनी एक ऑल पैकेज है, जहाँ पर ये कम्युनिकेशन से लेके यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन से लेके रिटेल, फैशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग, लेजर एज वेल एज टेक्नोलॉजी कंपनी से रिलेटेड जितनी भी ये कंपनीज होती है सबको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एडवाइजर प्रोवाइड करती है, उनके प्रोजेक्ट्स बनाती हुई नजर आती है। तो कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का प्रेजेंस यहाँ पर इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हर एक कोने पर ये कंपनी है, वर्ल्ड की हर एक कोने में ये कंपनी आपको मिलती हुई नजर आएगी। अवार्ड्स जो इन्होंने अवार्ड जीते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी के यहाँ बारे में और बहुत कुछ जानने के लिए यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर एक चीज़ आपको बारीकी से पढ़नी होगी तो जाके एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एज अ लीडर इन एनालिटिकल इंडिया, टॉप 50 फर्म्स इन इंडिया फॉर डेटा साइंटिस्ट टू वर्क फॉर ईक्लर्क्स। तो कंपनी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर नजर आती है। अब बात कर लेते हैं कंपनी से रिलेटेड। तो देखिए कंपनी यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर देख लेते हैं, पहले फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो मार्केट कैप की बात करें, स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी भागती भी तेज है, गिरती भी तेज है। आईटी के रिजल्ट एसेंचर के बेहतरीन आए हैं तो ये कंपनी जब भी रिजल्ट पेश करती है अपर सर्किट में जाती है, इस चीज को भी याद रखिए। मार्केट कैप 8,424 करोड़ रुपए का स्मॉल कैप है, 23 के पी पे शेयर मिल रहा है, 2217 का बहुत बेहतरीन आरओसी आरओई है जो कि काफी अच्छा नजर आता है। डेट की बात करें 10% का डेट है, ना के बराबर। प्लेजिंग की बात करें कोई यहाँ खास प्लेजिंग नहीं है, 2621 रुपए से करेक्ट होकर लगभग 2500 रुपए के आसपास ये शेयर यहाँ पर आज के डेट में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न किस तरीके से अच्छे तरीके से पहले भागता हुआ दिखाई दिया, पैंडमिक में गिरता हुआ दिखाई दिया, फिर दोबारा एक रैली यहाँ पर बनती हुई नजर आई और मल्टी बैगर रिटर्न जिसे कहते हैं, मल्टी बैगर
मतलब जिसमें काफी सारे बैकर्स यहाँ पर इंक्लूड हो जाए, मल्टी बैकर, मतलब X3X 4X 5X ऐसे रिटर्न दे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 374 रुपये का स्टॉक 2600 रुपये चल रहा है, तो आप खुद जान सकते हैं। लगभग डेट फ्री कंपनी है, ओके, गुड क्वार्टर रिजल्ट्स यहाँ पर पेश कर रही है। सेल्स यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी की, सेल्स कंसिस्टेंटली यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस बार की सेल्स हाइएस्ट एवर सेल्स। नेट प्रॉफिट देख सकते हैं कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस बार का प्रॉफिट हाईएस्ट है। क्वार्टरली बेसिस पर देख लीजिए, एनुअली बेसिस पर देख लीजिए, कंपनी यहाँ पर आपको बस केवल सरप्राइज सरप्राइज एंड सरप्राइज करती हुई नजर आ रही है। ईयरली बेसिस पर बात करें, 257 करोड़ की सेल 2010 में थी, अभी पिछले 12 महीने की सेल्स की बात करें लगभग 1900 करोड़ की सेल्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स कंसिस्टेंट यहाँ पर बढ़ रही है। ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट तो वो देख सकते हैं 74 करोड़ रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर, पिछले 12 महीने में 362 करोड़ के यहाँ पर प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बैलेंस शीट यहाँ पर देख लेते हैं। रिजर्व्स देखिए, कंपनी के रिजर्व्स बढ़े हैं, 181 करोड़ के रिजर्व्स 1681 करोड़ हो गए हैं। बोरिंग की बात करें, कंपनी की बोरिंग यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ी है, अदरवाइज यहाँ पर 2019 में डेट फ्री थी, अभी लगभग 176 करोड़ की यहाँ पर बोरिंग है, बट इनके पास इतना पैसा है कि एक बोरिंग जब भी चाहे यहाँ पर चुका सकते हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 291 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, कैश कंपनी का 609 करोड़ रुपए का तो कैश भी पड़ा हुआ है और यहाँ पर जो भी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं वहाँ से इनका पैसा मिलता हुआ नजर आता है। आरओसी की बात करें, आरओसी यहाँ पर लगातार 2 साल से यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, वो भी आप देख सकते हैं 53.81% की हिस्सेदारी है, तो यहाँ पर जो 50% की हिस्सेदारी थी 2020 में ओके जून में, वही यहाँ पर इन्होंने बढ़ाई है और अच्छे खासे तरीके से बढ़ती हुई नजर आई है। एफआईआई की बात करें, एफआईआई ने यहाँ पर लगातार यहाँ पर सेल किया है, क्योंकि शेयर ऑब्वियसली बात है एक ऊंचाई पर पहुंच जाता है, उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी की जाती है। तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद ये शेयर अब कंसोलिडेशन मोड में है और लंबा कंसोलिडेशन के बाद अभी ये ब्रेकआउट के मोड में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 16% की हिस्सेदारी अभी भी एफआईआई के पास है। और जो यहाँ पर चीजें एफआईआई बेच रहे थे वो यहाँ पर कौन खरीद रहा था, डीआईएस खरीद रहे थे एज वेल एज पब्लिक खरीद ली थी। यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, लगभग 10% की होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक भी नजर आती है। और यहाँ पर देख सकते हैं बार्कलेज वेल्थ ट्रस्ट इंडिया, यहाँ पर इनके पास भी 2.01% की हिस्सेदारी नजर आती है। तो ओवरऑल एफआईआई के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, डीआईएस के पास, प्रमोटर्स के पास और यहाँ पर पब्लिक के पास भी 10% के आसपास की हिस्सेदारी नजर आती है। अब दो पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसने एक कुछ दिन पहले यहाँ पर बायबैक अपना अनाउंस किया था। यहाँ पर आप अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगी बायबैक यहाँ पर होता हुआ नजर आया था 29 सितंबर को, और वो बायबैक कितने कितने रुपए का था, वो बायबैक था 2850 रुपए का, क्योंकि मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था और मेरे बायबैक में शेयर गए थे तो मुझे पता है। तो 2850 रुपए पे यहाँ पर बायबैक आया था। और ये शेयर मैं आपको हर बार आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, हर बार आपको बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसके रिजल्ट बेहतरीन आए हैं और आईटी कंपनी के रिजल्ट आ ही रहे। तो सबसे पहला टारगेट यहाँ पर 2850 रुपए का यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर अगर हम बात करें कितने परसेंट का यहाँ पर गेन देता हुआ नजर आएगा, लगभग लगभग 14% का यहाँ पर आपको गेन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये शेयर एक लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पर फेस करता हुआ नजर आया है। तो अगर आप देखेंगे ये जून जुलाई से लेके अभी तक केवल कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक ऐसा ही बायबैक आया था जहां पर मैंने आपको बताया था, और बायबैक के बाद वो शेयर बायबैक होने के बाद ऐसी रैली उसने दिखाई थी कि एक देखने वाली रैली थी। तो एक यहाँ पर देखिए 194 रुपीज पे यहाँ पर ये मैंने आपको वीडियो बना के दी थी जब यहाँ पर ये शेयर चल रहा था ओके। उसके बाद एक अच्छी खासा यहाँ पर बायबैक आया था 228 रुपए का, 225 रुपए का बायबैक हुआ। बायबैक के बाद शेयर थोड़ा सा यहाँ पर गिरा और गिरने के बाद उसने एक ऐसी रैली बनाई जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने परसेंट के रिटर्न देता हुआ नजर आया, एक बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न देता हुआ नजर आया लगभग 58% के। तो यहाँ पर देखिए आप उन लोगों ने तो यहाँ पर लोगों ने काफी ऊपर लेवल पे खरीदा होगा, बट यहाँ पर 194 पे हमने शेयर खरीदा था और एक अच्छी खासी रैली हमारे टारगेट मीट होते हुए नजर आए, हमने यहाँ पर से एग्जिट लिया। तो इसी तरीके से आपको चीजें यहाँ पर करनी चाहिए, ऊपर लेवल पर हमेशा नहीं फंसना चाहिए। इसी तरीके से हमने यहाँ पर ईक्लर्क्स में भी इन्वेस्ट किया है ओके। ईक्लर्क्स भी हमने नीचे के लेवल पर ले रखा है और अच्छा खासा प्रॉफिट ईक्लर्क्स में के बारे में भी मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, अब दोबारा यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अगर इसने ये लेवल निकाला जो कि कल की डेट में अगर ये लेवल निकाल लेता है जो कि कितना है 2600
₹2400 का, अभी शेयर कितना चल रहा है लगभग ₹2500 का। तो यहाँ पर इसके लिए 100 सवा 100 रुपये 150 रुपये की रैली कोई बड़ी बात नहीं है। आज ही 122% 122 रुपये की रैली यहाँ पर हुई है। तो यही रैली अगर कल की डेट में होती है और ब्रेकआउट होता है तो 2-3 दिन में आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है वो दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर आपको बी सॉफ्ट यहाँ पर बताया गया था, ओके बिरला सॉफ्ट में अच्छा खासा आज भी पैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। ₹400 के लेवल से मैंने अपने क्लाइंट को भी बताया था, खुद भी खरीद रखा था। और यहाँ पर देखिए एक अच्छी खासी रैली लोग यहाँ पर लेते हैं जब ब्रेकआउट होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ लेते हैं। तो यहाँ पर तो लेना यहाँ पर एक थोड़ा रिस्क हो जाता है, बट नीचे के लेवल से पैसे लगाएंगे और खरीदेंगे तो ये जो 32-33% 35% का रिटर्न मिलता है ना, इसमें एक मजे आने वाली बात होती है। इसी तरीके से मैक्स हेल्थ केयर, ये सारी वीडियो मिलेगी। मैक्स हेल्थ केयर पर मैंने आपको ₹400 वीडियो बनाई थी, देखिए यहाँ पर आज भी लगा रखा है, यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है तो ₹400 पे ब्रेकआउट हुआ। आज ये शेयर ₹430 का इसने हाई लगा के ये नीचे आता हुआ दिखाई दिया था। तो इसी तरीके से ई क्लर्क्स भी यहाँ पर देखिए एक तो ब्रेकआउट के लेवल पे खड़ा हुआ है, एज वेल एज यहाँ पर इसने अभी बाईबैक दिया है। तो बाईबैक के बाद यहाँ पर देखिए 28-14% के रिटर्न तो आपके हाथ में यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि यहाँ पर सूनर और लेटर यहाँ पर जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एक कंसोलिडेशन एक लंबा कंसोलिडेशन हो गया है और नंबर इसके सबसे बेहतरीन आया है। तो यहाँ पर ये शेयर दोबारा भागेगा और यहाँ पर भाग के अगर ये लेवल को यहाँ पर क्रॉस करता है 2624 2630 रुपये के आसपास का, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है देख पर देख लेते हैं 2621 रुपये। तो 2621 रुपये का ये लेवल यहाँ पर क्रॉस करेगा तो सिंपली ये शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। और कितने रिटर्न तक ये जा सकता है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कितने रिटर्न ये देता हुआ नजर आ सकता है, उसके बाद ये शेयर अच्छे खासे देखिए 14% तो यहाँ पर आपके सामने है ही है। और यहाँ पर भी देख लीजिए लगभग 3200-3300 रुपये तक, ये 3200-3300 तक ये शेयर यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा। तो 2400 प्लस में यहाँ पर अगर थोड़ा सा और नीचे हम देख लेते हैं तो लगभग लगभग 29-30% के रिटर्न मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से जो आप जिससे फॉलो करते हो उसकी हेल्प से, ओके हमारी वीडियो देखते हैं तो यहाँ पर सब कुछ बता ही रहा हूँ, ये आपको देख के ही यहाँ पर कोई पोजीशन बनानी है। क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट जब प्ले करते हैं तो स्टॉप लॉस भी लगाते हैं, तो स्टॉप लॉस कितना होगा, स्टॉप लॉस यही होगा 2428-88 रुपये जो इसने आज यहाँ पर क्लोज हो रहा है। तो ये स्टॉप लॉस लगा के आपको काम करना है, बट हमने यहाँ पर नीचे के लेवल से खरीद रखा है तो हमें अच्छा खासा यहाँ पर अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। और किस तरीके से नीचे के लेवल पर खरीदते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर हमें पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, यह इतनी सारी वीडियोस बनाई जाती है उन वीडियो को देखना होगा ताकि चीजें समझ में आए। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको दो बायबैक भी प्ले करना सिखाया है, आपको ब्रेकआउट प्ले करना सिखाया है, किस तरीके से न्यूज का फायदा उठाना है वो सिखाया है, तो उस चीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और लाइक करिए, इसके लिए हमें हमारी मदद करिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर यहाँ पर ये पर्टिकुलर चैनल को ग्रो करें, लैक्स ऑफ पीपल यहाँ पर देखें हमारे चैनल को और वो इस तरीके से नॉलेज लेके अच्छा खासा पैसा कमाए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।